ये कर्म है अल्लाह का कि 30 पारे, हम कहते हैं ना यार एक आयत याद करना मुश्किल होती है, 30 पारे कैसे याद होते हैं, जब अल्लाह का कर्म शामिल हाल हो और मदीने वाले की खैरात मिल रही हो और नजफ वाले बाबुल इल्मत का सदका मिल रहा हो तो फिर कुरान याद भी होता है और कुरान के नूर से अंधेरों में उजाला भी होता है। अब दस्तार से पहले और इनकी हौसला अफजाई और इनके इस्तकबाल से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं कि इस दौर में एक बहुत जरूरी मसला है, बंदा हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, फाजिल बने या फिर पीर बने, कोई भी बने, बंदा हुसैनी होना चाहिए। हाफिज हुसैनी, आलिम हुसैनी, मुफ्ती हुसैनी, फाजिल हुसैनी, पीर हुसैनी, क्यों? जब से करबला की दास्तान पढ़ी और सुनी है कि लश्करे यजीद में कई आलिम भी थे, कई नमाजी भी थे, कई कारी भी थे, कई हाफिज भी थे, दरबार यजीद में कई मुफ्ती भी थे, तब से एक बात समझ में आ गई, बंदा आलिम हो, बंदा फाजिल हो, बंदा हाफिज हो, बंदा कारी हो, बंदा मुफ्ती हो, बंदा पीर हो, बंदा चाहे जो हो पहले हुसैन ही होना चाहिए। काला चोगा पहनकर का सफेद चोगा पहनकर, सफेद लिबास जाहिरी पहनकर काले कब्बू जैसा दिल नहीं होना। जितना चोगा सफेद तुम साफ पहनो उतना सफेद और साफ तुम्हारा दिल भी होना चाहिए। और वो इल्म किस काम का, वो हाफिज वो आलिम किस काम का जिसका इल्म उसे नबी का गुस्ताख बना दे? क्या तुमने और हमने वो हाफिज और वो आलिम नहीं देखे जो नबी की शान में माजअल्लाह जमाने दराज करते? क्या तुमने और हमने वो आलिम नहीं देखे जो माजअल्लाह नबी की आल पर भौंकते? क्या तुमने और हमने वो आलिम और वो हाफिज नहीं देखे जो नबी के सहाबा पर भौंकते हैं? तो फिर क्या समझ में आया कि आलिम बनना, हाफिज बनना, मुफ्ती बनना, फाजिल बनना, पीर बनना ये कमाल नहीं है, पक्का मुस्तफी बनना, पक्का हुसैनी बनना ये कमाल किया। बनना हमने देखे अच्छे अच्छे हाफिज थे, दरबार यजीद में बड़े बड़े मुफ्ती बैठे थे, बड़े बड़े आलिम बैठे थे। मैंने कहा जब आलिम होकर भी यजीद के दरबार में बैठा जाए तो ऐसे आलिमों में लानत है। इसलिए बंदा चाहे जो हो, हम सब की गदर करते हैं, मगर पहले हुसैनी होना चाहिए। और हुसैनी कोई फिरका नहीं है, हुसैनी कोई तंजीम नहीं है, हुसैनी कोई तहरीक नहीं है, हुसैनी होना ये मुस्तफा की सुन्नत है। जो मुस्तफा की सुन्नत का पाबंद है वही पक्का हुसैनी है, जो मुस्तफा वाला नहीं है वो हुसैन वाला नहीं हो सकता, और जो हुसैन वाला है वो मुस्तफा से मुंह फेरे फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये नौजवानों को मुबारकबाद। और आज हमारे दरमियान हमारे मुसा भाई के साहबजादे